अच्छा, कुछ कॉमन टर्म्स आप देखते हैं और इन टर्म्स को आप याद भी रखना, जो भी ये टर्म्स हैं। तो पहली आपकी टर्म्स आती है बच्चे टॉटोलॉजी, ठीक है। टॉटोलॉजी अब एक फॉर्मूले को, एक कंपाउंड प्रेपोजिशन को या एक फॉर्मूले को हम टॉटोलॉजी कब कह सकते हैं? हम उस फॉर्मूले को या उस प्रेपोजिशन को टॉटोलॉजी तभी कहेंगे अगर वो हर कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू है। इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस, मतलब ट्रुथ टेबल में जितनी भी रोज हैं सभी के लिए वो आउटपुट क्या आएगी उस प्रपोजिशन की? ट्रू ही आएगी, ठीक है। इज इट ओके? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल नीचे सर दिया हुआ सबका है, ट्रू, सब ट्रू आएंगी। यस, जैसे एक ये एग्जाम्पल है, कोई प्रेपोजिशन है पी, डिसजंक्शन निगेशन पी। तो यहाँ पे बच्चे इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाया जाए, ये देखो ये हमारी पी है, तो एक ही प्रेपोजिशन है, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही कंपोनेंट है, तो दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे फॉल्स और ट्रू। तो निगेशन पी, उसके बाद निगेशन पी क्या आएगा बेटा? उल्टा आएगा सर इसका, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स का ट्रू और ट्रू फॉल्स, और ट्रू का फॉल्स, ट्रू का ट्रू का फॉल्स। फोर्स। ठीक है। और अब हमने फाइंड आउट करना है ये बच्चे, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू क्या होता है, या बोलो क्या होता है? ट्रू, ट्रू ट्रू सर, ट्रू 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 फॉल्स। ट्रू तो ये देखो हर फॉल्स, ट्रू कॉम्बिनेशन के लिए ये ट्रू ही आ रहा है फॉल्स, ना, ट्रू। हर हाँ जी कॉम्बिनेशन के सर, लिए ट्रू आ रहा है ना, तो ये इसलिए ये टॉटोलॉजी है आपकी। तो टोटोलॉजी उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे जो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या दे रही है, ट्रू ही दे रही है। इज इट ओके? यस सर, आगे मूव करते हैं, ये याद रखना है टोटोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट है बच्चे कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट टोटोलॉजी। बार पिछली स्लाइड ओपन कर दो। पिछली स्लाइड ओपन कर दूं? ये लो बेटा, ठीक है, करें आगे। ओके, यस सर, थैंक यू सर। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, कंपाउंड प्रोपोजिशन इज सेड टू बी कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन हम कब बोलेंगे? अगर उसके ट्रुथ वैल्यू हमेशा फॉल्स आती है सभी कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब ट्रुथ टेबल में उसका सभी कॉम्बिनेशन के लिए उसकी आउटपुट जो है वो फॉल्स आती है, ठीक है। इसको हम फलॉसी भी बोलते हैं, फलॉसी। जैसे कि आपका ये रहा पी कंजंक्शन निगेशन पी, तो पी की वैल्यू होती है आपकी फॉल्स, ट्रू, निगेशन पी, ट्रू, फॉल्स के लिए, फॉल्स, फॉल्स, और ऑब्वियसली फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। तो ये देखो इट इज फॉल्स फॉर एवरी कॉम्बिनेशन पॉसिबल, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन या फलॉसी, ठीक है। और एक और टर्म होती है बेटा, उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी, CONTINGENCY। अगर कोई एक्सप्रेशन ना ही टोटोलॉजी हो, टोटोलॉजी भी ना हो, ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्शन भी ना हो, ऐसे भी एक्सप्रेशन हो सकती है ना बच्चे, ठीक है। मतलब कुछ के लिए वो ट्रू है, कुछ कॉम्बिनेशंस के लिए वो ट्रू है, कुछ कॉम्बिनेशंस के लिए वो फॉल्स है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं, ऐसे फॉर्मूला को बोलते हैं, ऐसी प्रपोजिशन को बोलते हैं कंटिंजेंसी। इज इट ओके? यस सर, उसके बाद एक चीज आती है आपकी आर्ग्यूमेंट्स में आती है, वो वैलिडिटी। तो अगर एक आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि नहीं है वो पता करना है, तो हम उस आर्ग्यूमेंट का एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट का एक फॉर्मूला बनाते हैं। और अगर उसके फॉर्मूला जो बनेगा
वो टोटोलॉजी है तो हमारी आर्ग्यूमेंट क्या होगी? वैलिड। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई एक फॉर्मूला, कोई एक आर्ग्यूमेंट बोला गया हुआ है, मतलब दो तीन सेंटेंस में एक आर्ग्यूमेंट बोली है कि दिस इज दिस, दिस इज दिस, हेंस वी कैन कंक्लूड दिस इज दैट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन आर गुड, हेंस वी कंक्लूड ही इज गुड। तो ये एक आर्ग्यूमेंट हो गई ना हमारी, कोई रीजन दे रहे हैं हम कि वो लड़का ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है, और ईमानदार लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लड़का अच्छा है। ठीक है, तो इस आर्ग्यूमेंट का हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, वो फॉर्मूला अगर टोटोलॉजी निकलता है तो हम कहेंगे हमारी आर्ग्यूमेंट वैलिड है, और अगर टोटोलॉजी नहीं निकलता है तो हम क्या कहेंगे? हमारी आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है, इनवैलिड है या नॉट वैलिड है। ठीक है, इज इट ओके? ये थ्योरी का छोटी छोटी डेफिनेशंस है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं मैं आपके थ्योरेटिकली। नेक्स्ट इट बेटा, सेटिस्फाइबिलिटी। अगर आप आपके प्रोग्राम आपके जो प्रपोजिशन है उसका जो फॉर्मूला है उसको हम कहेंगे कि सेटिस्फाइबल है वो, अगर वो कम से कम एक कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू है, मतलब लेट से चार कॉम्बिनेशन बने, फॉल्स फॉल्स के लिए वो फॉल्स है, फॉल्स ट्रू के लिए भी वो फॉल्स है, ट्रू फॉल्स के लिए वो ट्रू है, और ट्रू ट्रू के लिए भी वो फॉल्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कम से कम एक कॉम्बिनेशन के लिए तो ट्रू है ना, कम से कम। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है? सेटिस्फाइबल है। ठीक है, सेटिस्फाइबल होगा अगर वो एक भी कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू आ जाता है। चलो एक ट्रिविया क्वेश्चन ना पूछता हूं मैं आपसे, रोल नंबर 18 ऑफ बीसीए, बच्चे रिस्पॉन्ड क्विकली, और अब मैं जिस का रोल नंबर ले रहा हूँ क्विकली रिस्पॉन्ड करना। यस बेटा, टोटोलॉजी, कोई एक्सप्रेशन टोटोलॉजी है तो वो सेटिस्फाइबल होगा? एक एक्सप्रेशन है एक्स, ये टोटोलॉजी है, हमें पता है ये टोटोलॉजी है, तो वो सेटिस्फाइबल होगा? यस सर। ओके, यस सर। रोल नंबर 22 ऑफ बीसीए, क्विक बच्चे, क्विक रिस्पॉन्स। ओके, रोल नंबर 40 ऑफ बीसीए, यस सर। हाँ बच्चे, एक हमारा एक्सप्रेशन है वाई, फॉर्मूला है वाई, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, तो बच्चे ये सेटिस्फाइबल होगा? ये सेटिस्फाइबल होगा? बोलो बेटा। बोलो बेटा जल्दी। Who is rule number 40 बच्चे? Sir. What's your name बेटा? Sir, चारू। चारू बोलो जल्दी। Why expression हमारा contradiction है? Sir, नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि contradiction में सभी value false होती हैं, इसलिए satisfied नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, सभी वैल्यू फॉल्स होती हैं, एक भी वैल्यू ट्रू नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन है। ओके, रोल नंबर 6 ऑफ बीएससीआईटी, रोल नंबर 5 ऑफ बीएससीआईटी, रोल नंबर 1 ऑफ बीएससीआईटी, रोल नंबर 1 ऑफ बीसीए, रोल नंबर 3 ऑफ बीएससीआईटी, नन इज प्रेजेंट, नो वन इज प्रेजेंट फ्रॉम दीज रोल नंबर्स।
यस सर. हाँ बेटा क्या नाम है आपका? सर जसप्रीत. जसप्रीत बेटा बोलो, अगर एक्सप्रेशन जेड है वो कंटिंजेंसी है तो क्या वो सेटिस्फाइबल होगा? यस सर, इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों ही होते हैं. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कम से कम एक ट्रू तो हमें मिल ही जाएगा, इसलिए ये सेटिस्फाइबल होगा. दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं अब हम. यस सर. तो लॉजिकल इक्वलेंस, अब लास्ट टर्म आज की लॉजिकल इक्वलेंस. तो बेटा दो फॉर्मूले दिए हुए हैं लेट से आपको, एक फॉर्मूला ए दिया हुआ है, एक फॉर्मूला बी दिया हुआ है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये फॉर्मूला है पी इम्प्लाइज पी इक्वलेंस क्यू, और एक फॉर्मूला ये दिया हुआ है. और ये कल हमने किया ही था कि ये दोनों बराबर होते हैं. तो अगर दोनों फॉर्मूले की ट्रुथ वैल्यू ठीक है सेम होती है, सेम कॉम्बिनेशन के लिए सेम ट्रुथ वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे ये दोनों आपके फॉर्मूले क्या हैं, वो लॉजिकल इक्वलेंट हैं. और ऐसे लिखा जाता है लॉजिकल इक्वलेंट आपका, ठीक है, या ऐसे भी लिखा जाता है तीन लाइनें, इसको भी लॉजिकल इक्वलेंट बोलते हैं. इज इट ओके सर? जब इन दोनों का आंसर ट्रू आएगा बी वाले का? नहीं नहीं नहीं, जैसे आप सपोज मान लो चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ए फॉल्स फॉल्स पे ट्रू है और बी भी फॉल्स फॉल्स पे ट्रू है, ठीक है, और फॉल्स ट्रू पे फॉल्स ट्रू पे ये फॉल्स है, ए बी भी फॉल्स है, ट्रू फॉल्स पे ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ट्रू ट्रू पे दोनों ट्रू है. तो ये देखो सेम कॉम्बिनेशन के लिए इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम है ना, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए. तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन ए और एक्सप्रेशन बी ये लॉजिकल इक्वलेंट है. ओके सर. ठीक है, समझ में आया बेटा सभी को? तो बच्चे हमने पांच चीजें की हैं, पांच चीजें की हैं, तो इसमें से किसी को भी किसी में भी डाउट है वो पूछ सकता है पहले. बोलो बेटा, किसी को किसी में भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ इन क्विक मैनर. टोटोलॉजी क्या होता है? टोटोलॉजी एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें ट्रुथ टेबल के सारे कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यू आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आएगी, ट्रुथ वैल्यू ट्रू ही आएगी एक्सप्रेशन की. कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है? सभी कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट फॉल्स आएगी. ऐसे ही एक कंटिंजेंसी होती है, इसमें कुछ ट्रू वैल्यू होती है और कुछ फॉल्स वैल्यू होंगी, उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी. वैलिड ये आर्ग्यूमेंट के लिए यूज होता है बेसिकली. आर्ग्यूमेंट का आप फॉर्मूला बनाते हो, अगर वो फॉर्मूला टोटोलॉजी है तो वो आर्ग्यूमेंट आपकी वैलिड हो जाएगी. ठीक है, सेटिस्फाइबिलिटी, आपका फॉर्मूला सेटिस्फाइबल कहा जा सकता है अगर आउटपुट किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू आ रही है, उस फॉर्मूला के लिए एक ट्रू कम से कम आना चाहिए. सारे भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ट्रू तो आएगा तभी वो सेटिस्फाइबल होगा. अगर एक भी ट्रू नहीं आता तो वो नॉट सेटिस्फाइबल होगा या अनसेटिस्फाइबल होगा. ठीक है, लॉजिकल इक्वलेंस, दो फॉर्मूले को हम लॉजिकली इक्वलेंट कहेंगे अगर उन दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम है सेम कॉम्बिनेशन के लिए. ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट उनकी सेम आती है, ट्रुथ वैल्यू सेम आती है. आई एम गिविंग यू बच्चे 1 मिनट. सर प्रीवियस स्क्रीन करना. प्रीवियस स्क्रीन सेटिस्फाइबिलिटी. एक्सक्यूज मी सर. यस यस बोलो. सर आप ये प्रेजेंटेशन दोबारा से एक बार स्टार्ट कर सकते हैं? एक्चुअली सर नेटवर्क इशू है. बच्चे शुरू से भी मैंने 2 मिनट पहले ना शुरू से ही बताया था आपको. टोटोलॉजी बंद हो गया था इसीलिए. कोई बात नहीं, एक बार दोबारा क्विक रिकैप दे देता हूँ. टोटोलॉजी क्या होती है बच्चे? टोटोलॉजी एक प्रेपोजिशन हो सकती है या कोई फॉर्मूला हो सकता है
उसको हम टोटोलॉजी तब बोलेंगे, अगर जब उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे हम, उसका जब ट्रुथ टेबल बनेगा तो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए उसकी आउटपुट ट्रू आएगी। जैसे ये आपका मैंने एक एग्जांपल नीचे दी हुई है, ये देखो सारी की सारी वैल्यू ट्रू आ रही है, सारी की सारी आउटपुट ट्रू आ रही है हर कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये टोटोलॉजी है, ये वाली आपका ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है, ये टोटोलॉजी है। सिमिलरली कॉन्ट्राडिक्शन, अगर सारी की सारी फॉल्स आती हैं आउटपुट हर कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन या फलॉसी। ऐसे ही बच्चे कॉन्टिंजेंसी, इसमें बच्चे कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स आती हैं आपकी, कुछ आउटपुट्स ट्रू आ सकती हैं, कुछ आउटपुट फॉल्स आती हैं, मतलब ना ही वो टोटोलॉजी है ना ही वो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिंजेंसी। चौथा था हमारा वैलिड, ये आर्गुमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, आपका एक फॉर्मूला बनाते हैं हम आर्गुमेंट से, और अगर वो फॉर्मूला टोटोलॉजी निकलता है तो हम कहेंगे आर्गुमेंट वैलिड है। फिर है सेटिस्फाइबिलिटी, आपका फॉर्मूला सेटिस्फाइबल कहेंगे हम अगर वो कम से कम एक वैल्यू के लिए, एक कॉम्बिनेशन के लिए उसकी आउटपुट ट्रू आती है, मतलब अगर या तो वो टोटोलॉजी होना चाहिए या कंटिंजेंसी होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो वो सेटिस्फाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल इक्वलेंस, लॉजिकल इक्वलेंस में आपके दो फॉर्मूले होंगे, वो दो फॉर्मूले अगर उनकी ट्रुथ वैल्यू सभी कॉम्बिनेशन के लिए सेम आ रही है, मतलब फॉल्स फॉल्स के लिए भी सेम आ रही है, फॉल्स ट्रू के लिए भी सेम आ रही है, ठीक है, चार कॉम्बिनेशन हो, आठ कॉम्बिनेशन हो, 16 कॉम्बिनेशन हो, सभी के लिए अगर उनकी ट्रुथ वैल्यू बराबर ही आ रही है, इसकी भी ट्रू उसकी भी ट्रू, इसकी अगर फॉल्स हो उसकी भी फॉल्स, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे कि ये दोनों एक्सप्रेशन लॉजिकली इक्वलेंट है। लॉजिकल इक्वलेंस को ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑब्वियसली लॉजिकल इक्वलेंस एक ऑपरेटर भी है आपका, उसका सिंबल है ये, या आप तीन तीन लाइनें, तीन पैरेलल लाइनें, इक्वल टू के ऊपर एक और लाइन, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लॉजिकल इक्वलेंस को। इज इट ओके? यस सर। यदि किसी का डाउट है, आई एम जस्ट गिविंग यू 20-30 सेकंड्स, रिकंसीडर और पूछ लो, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं सर। चलो आगे मूव करते हैं, तो मैं आपको कुछ अब क्वेश्चंस देता हूं। तो ये क्वेश्चन है बच्चे, प्रूफ करना है हमने, प्रूफ दैट पी इज इक्वल टू निगेशन ऑफ निगेशन पी, ये प्रूफ करना है आपने। रोल नंबर 17 ऑफ बीसीए, बच्चे कैसे प्रूफ करेंगे इसको? नेगेशन ऑफ पी का हम ट्रुथ टेबल, दोबारा बोलना, नेगेशन ऑफ पी का हम ट्रुथ टेबल नहीं, वो तो बच्चे आप थोड़ा सेंटेंस में बोल रहे हो ना, मेरे को थोड़ा सा एक्सप्रेशन, थोड़ा सा कुछ प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ कैसे करते हैं हम? मैंने आपको कल बताया था प्रूफ कैसे करना है, नहीं पता बच्चे? सर उसने कहा है लास्ट में आवाज कम आ रही थी उसकी। अच्छा अच्छा, क्या कहा है बेटा आपने, दोबारा बोलो। उसने कहा था, उसने क्या बोला? उसने बोला निगेशन P का ट्रुथ टेबल बनाएंगे हम। बिल्कुल, चलो रोल नंबर 26 ऑफ BCA, रोल नंबर 6 ऑफ IT, रोल नंबर 11 ऑफ IT, रोल नंबर 10 ऑफ IT, नो वन इज प्रेजेंट, रोल नंबर 3, रोल नंबर 2। हाँ जी, रोल नंबर 2 बच्चे बोलो कैसे करेंगे शुरू हम?
सर पहले हम पी लेंगे और उसकी वैल्यूज लेंगे, ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहला कॉलम आएगा पी, ओके, और भी कोई और वेरिएबल भी? नो सर, ओनली पी भी, ओके, पी के कॉम्बिनेशन क्या होंगे यहाँ पे? फॉल्स एंड ट्रू, मैं जिसका रोल नंबर बोल रहा हूँ बच्चे वो बोले बस, ठीक है, रोल नंबर 20 BCA, यस सर, हाँ जी बच्चे, आगे क्या करेंगे? सर इसकी निगेशन करेंगे पी की, क्या आउटपुट आएगी? सर फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स, बिल्कुल सही, रोल नंबर 36 ऑफ BCA, रोल नंबर 7 ऑफ IT, फाइव रोल नंबर BCA, ट्वेल्व रोल नंबर BCA, यस सर, सर अभी नेगेशन करनी है, नेगेशन पी की, पहले नेगेशन साइन फिर ब्रैकेट में नेगेशन पी, और इसमें नेगेशन पी का जो आंसर है ट्रू उसको हमने फॉल्स लिखना है और फॉल्स को ट्रू, बिल्कुल, अब नेगेशन किसकी करनी है? ये पी के इक्वल है, बिल्कुल बिल्कुल, नेगेशन किसकी करनी है? नेगेशन पी की, जब हमने पी की नेगेशन की थी तो पी की वैल्यूज देखी थी, अब हमने नेगेशन किसकी करनी है? नेगेशन पी की, तो इसकी वैल्यू देखेंगे, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, और अगर आप देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, कॉलम वन एंड कॉलम थ्री ऑफ ट्रूथ टेबल आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड कि पी जो है वो आपका नेगेशन ऑफ नेगेशन पी के बराबर है। अगला क्वेश्चन करें, यस सर, अभी आपका एक्सप्रेशन है ये प्रूफ करना है आपने, नेगेशन पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू ये बराबर है नेगेशन ऑफ होल ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, ये आपने प्रूफ करना है। तो रोल नंबर 16 ऑफ BCA, यस सर, बेटा कैसे शुरू करेंगे? सर हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, उसके लिए हम पहले पी लिखेंगे और फिर क्यू लिखेंगे, क्यू में फॉल्स ट्रू लिखेंगे और पी में फॉल्स ट्रू ट्रू लिखेंगे, फॉल्स ट्रू, उसके बाद सर बस बेटा, हाँ नेक्स्ट बच्चे रोल नंबर 28 ऑफ BCA, 29, 30, 36 ऑफ BCA, रोल नंबर 2 ऑफ IT, सर अब हम पी की नेगेशन करेंगे, पी की नेगेशन करेंगे, बिल्कुल ठीक, कैसे करेंगे अब, क्या वैल्यू आएगी? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, वेरी गुड, ठीक है, एंड देन क्यू की नेगेशन करेंगे, बस बेटा 1-1, फॉल्स को देखेंगे, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, नेक्स्ट रोल नंबर 24, हाँ जी बच्चे आगे क्या करेंगे? कौन दोबारा बोलना बेटा, मैं बेचारे कौदी कहूंगी, पहला तू आऊंगा, नोट को, ओके, क्या आएगा? पहला तू, तू, ट्रू, दूसरे पोर, तू पोर, ट्रू फॉल्स, ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट रोल नंबर बच्चे, रोल नंबर 10 ऑफ IT, रोल नंबर 20 ऑफ BCA, यस सर, आगे क्या करेंगे बेटा? अब हम नेगेशन पी और क्यू की कंजंक्शन करेंगे नहीं सर डिस्कशन और करेंगे और वाला
और वाला ठीक है, नाम ऑब्वियसली नाम चलो कोई बात नहीं, अगर आप अभी फॉमिलियर नहीं हो पाए हो तो आप सिंबल बस याद रखना कि सिंबल क्या होते हैं और कि ट्रुथ टेबल क्या होते हैं। अच्छा बच्चे क्या आउटपुट आएगी? ट्रू 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 ये भी ट्रू फॉल्स फॉल्स सर ठीक है ट्रू और ट्रू ऑब्वियसली ट्रू ट्रू और फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है। ओके नेक्स्ट रोल नंबर 12 BSEIT रोल नंबर 21 BCA 15 BCA बच्चे रिस्पॉन्ड करा करो जल्दी से जल्दी, कल को मैं अटेंडेंस आपकी साथी में मार्क कर दूंगा और पोर्टल में, और जिसका रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्ट नहीं आता है तो बच्चे वहां पर एब्सेंट मार्क कर दूंगा मैं। ओके नेक्स्ट बच्चे आगे क्या करेंगे सर? इसके बाद हम पी कंजंक्शन क्यू। कंजंक्शन कौन सा होता है बेटा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ कंजक्शन। ठीक है बोलो क्या आउटपुट आएगी सर? फॉल्स 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 सर। उसके बाद फॉल्स ट्रू का फॉल्स। हाँ हाँ ठीक है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स का फॉल्स ट्रू ट्रू का ट्रू बिल्कुल ठीक। पी और क्यू की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पी और क्यू वाला कॉलम ही देखना है। Yes. ठीक है बच्चे ये बड़ा ध्यान रखना कौन से कॉलम से आपकी आउटपुट आती है। नेक्स्ट बच्चे रोल नंबर 35 BCA 42 BCA सर। यस सर सर 35 रोल नंबर। हाँ हाँ बोलो बेटा सर। दिस करना में होता है यानी वैल्यू आनी है ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। बच्चे क्या है फाइंड आउट कर रहे हैं? दिस कंजक्शन करना सर पी क्यू का। बच्चे वो कर चुके हैं इसका बस निगेशन ही करना था तो फॉल्स का ट्रू फॉल्स का ट्रू फॉल्स का ट्रू ट्रू का फॉल्स। और ये देखो ये कॉलम सेम है और ये कॉलम इनकी ट्रुथ वैल्यू देखो सेम है ना सेम कॉम्बिनेशन के लिए तो हेंस प्रूव। यस सर। ठीक है करें आगे करें थोड़ा yes, सा यस सर। यस सर यस सर। ऑब्वियसली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड हैं बुक में, सारे प्रैक्टिस करना बेटा और किसी में प्रॉब्लम आती है कल मेरे को बताना हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है यस सर बिल्कुल सही। आगे करते हैं अब तो आगे कुछ क्वेश्चन हम मैंने आपको प्रेसिडेंस बता दी हुई ना बच्चे किसकी प्रेसिडेंस हाई होती है किसकी लो होती है। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? ब्रैकेट के बाद नेगेशन के बाद कंजंक्शन कंजंक्शन के बाद डिसजंक्शन डिसजंक्शन अच्छा मेरे को अब ये बताओ इसमें बच्चे पहले क्या सॉल्व होगा? क्यू इम्प्लाइज आर पहले सॉल्व होगा और उसके बाद आपका पी इम्प्लाइज जो कि क्यू इम्प्लाइज आर का रिजल्ट आएगा। ठीक है यस सर। ओके यस सर। मैं एक क्वेश्चन आपसे अब और करवाता हूं बच्चे। ये क्वेश्चन है पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी कंजंक्शन आर ये है Make truth table of this expression. ठीक है? Yes, sir. Okay. Roll number 2 BCA.
Is she present? Roll number 3, BCA. Present? Yes, sir. बेटा बोलो कैसे सॉल्व इसका ट्रुथ टेबल का बनाना है हमने मेक ट्रुथ टेबल ऑफ दिस एक्सप्रेशन तो कैसे शुरू करेंगे सर पी एंड क्यू का बनाना है सिर्फ पी एंड क्यू सिर्फ पी आर क्यू पी क्यू आर सर आर भी आएगा बिल्कुल बेटा एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखना उसमें कितने वेरिएबल्स हैं आर भी है ऑब्वियसली आर का भी बनेगा अब रोल नंबर 3 बेटा बोलो क्या क्या कैसे कॉम्बिनेशन बनाऊं मैं सर आर का आएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू आगे सर क्यू फॉल्स 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 सर नो फॉल्स ट्रू फिर फॉल्स ट्रू फिर कहाँ तक जाना सर क्यू का आएगा सर बस बिल्कुल 8 बार करना है क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 8 टाइम्स आएगा ओके रोल नंबर 4 ऑफ बीसीए रोल नंबर 4 ऑफ बीसीए 5 ऑफ बीसीए रोल नंबर 1 ऑफ बीएससी आईटी की रोल नंबर 2 ऑफ बीएससी आईटी यस बचा आगे आगे अभी सर 2 टाइम्स फॉल्स बिल्कुल 2 टाइम्स सर क्यू वाले में 2 टाइम्स फॉल्स 2 टाइम्स ट्रू फिर 2 टाइम्स फॉल्स फिर 2 टाइम्स ट्रू रोल नंबर 3 ऑफ बीएससीआईटी रोल नंबर 3 ऑफ बीएससीआईटी 4 ऑफ बीएससीआईटी 5 रोल नंबर ऑफ आईटी 6 रोल नंबर ऑफ आईटी 7 8 9 सर 4 टाइम्स फॉल्स ठीक है व्हाट्स योर रोल नंबर 4 टाइम्स व्हाट्स योर रोल नंबर 9 चलो रोल नंबर 10 ऑफ बीएससीआईटी रोल नंबर 6 ऑफ बीसीए 7 ऑफ बीसीए रोल नंबर 8 ऑफ बीसीए यस सर बेटा आगे क्या करेंगे सर पी कंजंक्शन आर बिल्कुल सबसे पहले ये सॉल्व होगा क्यों सॉल्व होगा क्योंकि इसकी प्रेजिडेंस ज्यादा है तो बेटा आउटपुट क्या आएगी सर फॉल्स ठीक है ये देखो इस कॉलम को देखना है अब आपने और इस कॉलम को देखना है पी False. सभी को समझ में आया Yes, sir. किसी का डाउट हो तो पूछ लो रोल नंबर 8 बीसीए 9 10 बीसीए रोल नंबर 11 ओके 10 बोलो बेटा आगे क्या सॉल्व करना है सर क्यू इंप्लाइज पी कंजंक्शन ठीक है ये इसलिए किया है क्योंकि जो अगर आपके पास दो दो इम्प्लीकेशन आ जाते हैं तो पहले राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करना है ओके बेटा बोलो सर फॉल्स फॉल्स ट्रू ऑब्वियसली पहले हमने ये वाला कॉलम देखना है और फिर ये वाला कॉलम फॉल्स फॉल्स ट्रू ओके फॉल्स 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 ट्रू ओके ट्रू यहां पर ट्रू फॉल्स फॉल्स फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ओके फॉल्स ओके फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है बच्चे अभी वाले फॉल्स 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 ट्रू ओके फॉल्स ट्रू ट्रू ओके आगे ट्रू फॉल्स
False, false, true. Okay, true, false. Or true, true, true. True, false है बेटा. True, false, true, true, false क्या आएगा? True, false, false आएगा बेटा. True, false. False आएगा. और true, true. Last में true आएगा. True. और last में हमने क्या करना है? Obviously इसको मैं x मान लेता हूँ. Let this expression is x. तो ये x मान लेते हैं जो भी आपकी output आएगी. ठीक है? तो obviously ये x क्या है आपका? P implies Q implies, ठीक है, और ब्रैकेट लगा सकते हो आप. ठीक है, ऐसा ना सोचना कि ब्रैकेट नहीं लग सकती हैं. ऑब्वियसली जो पहले परफॉर्म कर लिया है वहां पे ब्रैकेट लगा सकते हो अपनी कंफ्यूजन थोड़ी कम करने के लिए. तो रोल नंबर 11, 12 BCA, रोल नंबर 13, 14, 15, रोल नंबर 16, 17. ये बच्चे लेक्चर खत्म हो गया तो यहीं से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. बेटा बोलो जल्दी जल्दी. पहले पी को देखेंगे, फिर इसको. फॉल्स ट्रू का ट्रू, ओके. आगे फिर फॉल्स ट्रू का ट्रू, ओके. ट्रू फिर ट्रू, ओके. आगे फिर ट्रू, ओके. उसके बाद फिर ट्रू, उसके बाद ट्रू ट्रू का ट्रू, और ट्रू फॉल्स का फॉल्स, और ट्रू ट्रू का